अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाहीन एंड वेलकम बैक टू कुक विद शाहीन। तो आज मैं बना रही हूँ एक नॉन वेज रेसिपी जिसका नाम है हरी मिर्च का गोश्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तेल गर्म कर लिया है प्रेशर कुकर में। इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर बड़े प्याज लिए हैं, 3 से 4। अगर साइज़ छोटा है आपके पास प्याज का तो आप क्वान्टिटी ज़्यादा कर सकती हैं। प्याज डालने से ग्रेवी जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए प्याज थोड़े ज़्यादा डाले जाते हैं। तो जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे तो मैं इसमें डालूंगी तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी 2 इंच तक और लौंग। अब इन सभी चीज़ों को हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे जब तक प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब मैं इसमें डाल दूंगी बीफ। मैं यहाँ पर बीफ बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन भी इसी तरह से बना सकती हैं। तो ये बड़े का गोश्त है, इसे अच्छी तरह से हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि अभी ये जो गोश्त है इसका पानी छूटेगा और जब तक पानी सूख ना जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। बीच में थोड़ा सा हमें नमक डाल देना है, यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब हमें बाद में इसमें नमक नहीं डालना है। तो अच्छी तरह से जब इसमें पानी सूख जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी मसाले। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसी में मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके पीस लिया था, वो मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं 1/4 कप पानी डालूंगी, जो मिक्सर जार था मेरा उसी में मैंने 1/4 कप पानी लेकर वही डाल दिया है, जिसमें कि जो थोड़ा सा मसाला है वो भुन जाए। ये मैं डाल रही हूँ पीली वाली चिली पाउडर। ये हम मोस्टली इसी तरह की यखनी में या फिर पुलाव में डालते हैं ये वाली मिर्च। और ये मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ 10 से 12, इस तरह से कट कर लिया है बड़े पीसेज में, क्योंकि ये हरी मिर्च का गोश्त है इसलिए हरी मिर्च ज़्यादा क्वान्टिटी में डाली है मैंने। और ये मैंने टमाटर ऐड कर दिया है रफली चॉप करके। और जो मैंने पीली वाली मिर्च ऐड की है वो इसलिए ऐड की है क्योंकि इस वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, और उस तरह से जैसे हमारी रेड चिली पाउडर होती है वो उस तरह से नहीं होती, इसलिए मैंने वो ऐड किया है। और सारा टेस्ट इसमें जो है वो हरे मिर्च का आएगा, वो हरे मिर्च की तरह ही कम तीखी होती है। आप चाहें तो क्वांटिटीज़ कम कर सकती हैं, आपको देखने में थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, बट हरी मिर्च मेरे पास जो थी वो ज़्यादा तीखी नहीं थी इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दी है। तो थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और इसे 4 से 5 सीटी आने तक पकाऊँगी अच्छी तरह से। उसके बाद आप प्रेशर कुकर खोल देंगे और अगर आपको ग्रेवी रखनी है तो आप पानी डाल सकती हैं, वरना फिर इसी तरह से भुना हुआ बना सकती हैं। तो ये हरी मिर्च का गोश्त रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल बटन ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।